नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पूजा दो तो हजार लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल 17 और 18 जुलाई यानी आज और कल बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे मीटिंग से एक दिन पहले लंबी चली चर्चा और लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की घोषणा कर दी है कांग्रेस के इस ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएससी की बड़ी बैठक हुई उसके बाद बैठक में आम आदमी पार्टी ने यह तय किया कि वो विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे मतलब अब केजरीवाल भी विपक्षी एकता की बैठक का हिस्सा बनेंगे पर सवाल यह है कि इतनी लंबी चली तकरार में आखिर जीत और हार किसकी हुई है क्या कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के सामने झुक गई या केजरीवाल कांग्रेस की जाल में फंस गए तो आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शैलेश कुमार डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में आखिर चल क्या रहा है देखिए आज तो समर्थन की घोषणा और कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के खिलाफ मौन धरना भी दे रही है कि दिल्ली में बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया टेलीविजन चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केजरीवाल की सरकार की ऐसी की तैसी कर रहे हैं जी। और ये भी कहा जा रहा है कि हम साथ साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं और उधर से वो भी गाना गा रहा है कि हम भी आ रहे हैं तुमने पुकारा हम चले आए है ना जान हथेली पर ले आए यही चल रहा है ये देश की जनता को इन लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है भाई गठबंधन गठबंधन विपक्षी एकता विपक्षी एकता ये तमाशा हो क्यों रहा है एक और जगह है बंगाल वहां टीएमसी के लोग कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ताओं को गोली से उड़ा रहे हैं और कांग्रेस वाले की तरफ से भी बम मारा जा रहा है पांच टीएमसी के कार्यकर्ता हलाक हो गए और गाना चल रहा है हम साथ, साथ हैं बेंगलोर आ रहे हैं आखिरी मौके पे ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पैर में दर्द है जी। ममता बनर्जी जी के लिए उनका पैर बड़ा लकी है उसमें चोट लगते ही जो है राजनीति जो है सुधर जाती है उनकी जी। तो वो नहीं जा रही उन्होंने कह दिया कि भाई भतीजा जाएगा तो भतीजा जा रहा है केजरीवाल कमाल का व्यक्ति है लड़के निकला पिछली बार लड़के निकला निकलने के बाद कह रहा है कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है मोदी की भी भी पार्टी है राहुल गांधी पप्पू है राहुल गांधी बेवकूफ है राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं मतलब कांग्रेस पार्टी उस मुकाम पे आ गई है कि एक आपके कार्यकर्ताओं को पीट रहा है मार रहा है उसकी हत्या कर रहा है दूसरा आपके लीडर को गालियां दे रहा है पप्पू कह रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ये गट्स नहीं बचा है कि आप दोनों को ये कहें कि भाई हम अपने से मोदी से लड़ लेंगे आपकी आवश्यकता नहीं है राहुल गांधी के ऊपर तुमने सवाल खड़े किए तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं आप आपकी जरूरत भी नहीं है ये कहने के पोजिशन में नहीं है क्या मजबूरी है भाई मजबूरी कई सारी चीजें की है एक जो बेंगलोर में तमाशा हो रहा है पहले पटना में हुआ क्या हो गया भाई उससे पटना के बाद आपने कहा भाई शिमला में होगा फिर वहां कैंसिल हो गया फिर बेंगलोर में हो रहा है लेकिन इस दौरान पटना और बेंगलोर के बीच में दो चार बड़े बड़े खेल हो गए एक एनसीपी टूट गई जिस व्यक्ति को कन्वीनर बनाने की बात कांग्रेस पार्टी सोच रही थी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिख रहे थे उनकी पार्टी उनकी गाड़ी जो एक्सटेंड कर गई वो पार्टी एनडीए के साथ चली गई मोदी के साथ चली गई बिहार में भी टूट गया नीतीश कुमार के गठबंधन से एक पार्टी मोदी के गठबंधन में जीतन राम मांझी दो और लाइन में लगे हुए हैं वो आ जाएंगे मोदी के साथ चिराग पासवान आ गए उधर मोदी के साथ यूपी में राजभर मोदी के साथ ये अजीबोगरीब एकता है सब टूट के बिखर रहे हैं एक करके सब एक दूसरे को छोड़ रहा है इधर आ रहा है और यह कह रहे हैं तो यह मजबूरी है कि भाई आपके पास संख्या नहीं है इट्स अ बैटल ऑफ परसेप्शन कि सारे विपक्षी एक साथ हो गए हैं हम सेक्रीफाइस करने को तैयार है लंबी चौड़ी बातें और समस्या यह है कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत लेकर के आ रही है यही सर्वे रिपोर्ट भी बता रहा है तो दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी को बनाना है प्रधानमंत्री और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि देखो जी चुनाव से पहले नहीं जो कुछ होगा चुनाव के बाद होगा तो चुनाव के बाद होगा तो चुनाव से पहले मीटिंग क्यों कर रहे हो कॉमन कैंडिडेट खड़ा करोगे कहां करोगे राजस्थान में टीएमसी का उम्मीदवार खड़ा होगा क्या या मध्य प्रदेश में एनसीपी का उम्मीदवार खड़ा होगा या छत्तीसगढ़ में नीतीश कुमार का कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा या फिर कर्नाटक के अंदर तुम समाजवादी पार्टी के किसी नेता को टिकट दोगे ऐसा तो होना नहीं है हर राज्य में अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति है उस हिसाब से अलग अलग पार्टी अपने हिसाब से काम करेगी तो पहले एक चीज़ बता दो भाई कि एकता तो बाद में आएगी क्या ममता बनर्जी ने यह घोषणा किया है कि वह सीपीएम और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बेंगलोर में हाथ भी उठाएगी और सीट के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करेगी ऐसी कोई घोषणा हुई है नहीं हुई है इसका मतलब क्या ऐसी कोई घोषणा हुई है कि कांग्रेस पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे को शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पूरा महाराष्ट्र छोड़ देगी वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी क्या कांग्रेस ने घोषणा की है कि भाई ठीक है भाई अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं है, महबूबा मुफ्ती भी आ रही है कश्मीर में हम नहीं चुनाव लड़ेंगे क्या आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भाई दिल्ली के सात सीटों पे कांग्रेस पार्टी को हम सारी सीटें दे देंगे भाई किस लिए सत्ताईस जो चौबीस पार्टियों की जो लिस्ट दी जा रही है पता नहीं कितने पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उसमें से उन्नीस तो ऑलरेडी यूपी में पहले से थे यूपी के बाहर के जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे उसमें नीतीश कुमार की पार्टी हो गई जैसे कि ममता बनर्जी हो गई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की हो गई आम आदमी पार्टी हो गई शिवसेना उद्धव ठाकरे तो 19 पार्टी तो पहले से ही यूपीए में है आप गूगल कीजिए कम से ज्यादा उन्नीस पार्टियां उसके अलावा ये पांच पार्टियां एक्स्ट्रा जा रही हैं और इन पांच पार्टियों के साथ आपका कोई सीट एडजस्टमेंट हुआ है नहीं हुआ है तो भाई किस बात के लिए तो बैटल ऑफ परसेप्शन कि मोदी को हराने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो रहा है कोई इकट्ठा नहीं हो रहा है ये नेता सब इकट्ठा हो रहे हैं जनता इकट्ठा नहीं हो रही तो भाई लोहे का जवाब लोहे से ईट का जवाब पत्थर से तो उन्होंने कहा अठारह को मीटिंग कर रहे हो हम भी अठारह को मीटिंग कर रहे हैं तो उधर बैंगलोर में मीटिंग तो अठारह को मीटिंग जो है वहां बीजेपी वाले भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा भाई लो तुम्हारे ही जगह जगह से हम लोगों को लेकर के आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी डिरेल हो चुकी है आपको केजरीवाल ने हल्का सा भोल टाइट किया जी। आपने अपने तमाम और मैं आपको बता दूं पंजाब में और दिल्ली के अंदर एक सप्ताह के अंदर आपको मालूम चलेगा बड़े बड़े लीडर्स जो हैं पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्यों वो इसलिए क्योंकि आपको जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है आप सिर्फ मोदी की घृणा में यह होता है कि हम लोग यूपी बिहार में कि भाई एक होता है भाई कि किसी आदमी का दिन खराब करना है है ना तो ये कहावत है उधर की कोई एक आंख वाले व्यक्ति को अगर कोई देख ले हम लोग तरफ कहते हैं भाई किसी काने को देख लिया तो दिन खराब हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी वैसे लोग हैं कि पड़ोसी का दिन खराब करना है उसके लिए अपनी आंख फोड़ लो और जब वो घर से निकले सामने में खड़े हो जाओ यही काम कर रही कांग्रेस पार्टी और इसलिए कांग्रेस पार्टी में बड़ा विद्रोह है और ये कांग्रेस पार्टी का मन कौन बना रहा है सारे वकील भाई वकीलों को इस्तेमाल करो कोर्ट में आप पॉलिटिक्स में उनका इस्तेमाल करोगे तो वो तो देखेंगे मेरा क्लाइंट कहां कहां है अब अभिषेक मनु सिंह भी सजेशन दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए दिल्ली में भाई उनका क्या सजेशन होगा भाई तीस तीस चालीस चालीस करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी से कमा चुके हैं अब तक सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए पेश होकर के तीस चालीस करोड़ रुपए खा गए दिल्ली की जनता का पैसा एज अ चार्ज अब देखिए कहानी आई थी अब वो नहीं रहे राम जेठमलानी साहब के एक जो है केस में केजरीवाल ने उनको हायर किया था तो उन्होंने बिल भेज दिया बिल भेज दिया तो बोले भाई हम नहीं दे पाएंगे वो बहुत विवाद हुआ था अभी कोई आर किया था छह महीने पहले की बात है मैं तो कम बता रहा हूं कि घोटालों को छुपाने के लिए केजरीवाल ने 28 करोड़ रुपए लीगल टीम में बांटे और उस 28 करोड़ में से सत्रह करोड़ रुपए जो है अभिषेक मनु सिंघवी के पास गया ये छह महीने पहले की बात है अभी तो और भी बहुत सारे केसेस आगे नया लाखों रुपए लेते हैं वो एक बार सिर्फ अपने आप को वहां पे खड़ा करने के लिए तो ये जो कांग्रेस पार्टी है और उधर तो अजय माकन चिल्ला रहे हैं कि वो आर्टिकल भी लिख रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जितने तमाम नेता हैं वो कम से कम केजरीवाल का केस ना लड़े आपके लड़ने की वजह से जो है हम लोगों की लड़ाई जो है जमीन पे तो वो छोड़े नहीं वो अभी भी लड़ रहे हैं तो अध्यादेश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी भी केजरीवाल के वकील बनकर के खड़े हैं तो सोनिया गांधी उनसे सही से, से लेगी तो वो क्या कहेंगे वो तो कहेंगे कि नहीं 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 अभी केजरीवाल को मना लो तो राहुल गांधी की जो घोर बेजती इसमें हुई है कि जो शख्स आपको पप्पू कह रहा है नकारा कह रहा है मोदी से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता राहुल गांधी राहुल गांधी बेवकूफ है इस तरह की बातें जिस पार्टी की तरफ से की जाती है उसके सामने भी आप जो है नतमस्तक हो गए और किसलिए कोई फायदा नहीं होना है कल ही मीटिंग होगी फाइनल कल शाम तक आपको खबर आ जाएगी कि फिर जिस तरह से पटना में बवाल हुआ वैसा बवाल फिर बेंगलोर में भी हो रहा जी, बहुत, है बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए धन्यवाद दो तो हजार चौबीस के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई महीनों से कोशिश में लगे हुए हैं नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में तेईस जून को विपक्षी दलों की मीटिंग हो चुकी है अब बेंगलुरु में होनी है पर नीतीश का भी पत्ता साफ हो चुका है ममता बनर्जी भी किनारा कर चुकी है पर अब देखना होगा आज बेंगलुरु से इस विपक्षी एकता की मुहिम में विपक्ष कितना एकजुट नजर आते हैं आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार